Good job. Es maravilloso. शदीद तरीन चक्कर सी ए भी ले गया ए बिल्कुल टैन लगा तको ओ हो 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 अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर तकिस के बारे में क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करना है सारे ठीक हो सो। अल्लाह ताला ने फना चुसो में सोना मेज़बान वकार अहमद तकी रहे अपना फैमिली यूट्यूब चैनल जडियाल बच व्यूअर्स। ये पता है कि पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा महंगाई है, जेरी चीज़ 100 रुपये नहीं सी 200 नहीं होगी, जेरी 400 नहीं सी 800 रुपये नहीं होगी। लोग अपने बेहतर मुस्तकबिल वास्ते दियारे गैर न सफ़र करने न दियारे गैर जाने न हुआ उन्हें कि किस तरह ही जाना पवे, पैदल जान लीगल जान या इलीगल जान। तुसें पता उसी कि पिछले घर च लोग इस तरह डंकी लाई तो जाने पे सन यूनानी मुकाम पर, समुद्रा च जी कश्ती सी और समुद्र बर्द हो गई सी, बहुत ज़्यादा लोग शहीद हो गए सन, तकरीबन 100-110 लोग बचे सन 700-800 बंदे बच्चे। इसनी वजह यही है कि लोग अपने बेहतर मुस्तकबिल वास्ते बाहरले मुल्कों ना सफ़र करने। आज मैं पता ही करना चाहना कि आया उन्हें कि अगर बाहरले मुल्कों ना मीन्स यूरोप इंग्लैंड अमेरिका कनाडा इस इन मुल्कों ना उनकी वीज़ा लग पाए तो क्या कर सन, तो वो इस मुल्क की चीज रहना पसंद कर सन या बाले मुल्क जाने की तरजीह दे सन। जुले हैं पता करने हैं लोगों की राय। मौजूद हाँ अपने प्लाजे ने बाहर सब ज्यादा महंगाई का जो सब काफी सन होना है वो गरीब लोग होने जो रिक्शे आए हो गए रेहड़ी आए हो गए या आम जरा मजदूर तबका होना भाई उन्होंने गल करना है पता करना है क्या सुधरना। क्या नाम है? अच्छा खुरम साहब महंगाई ने इस दौर इसे छली ना क्या रेट है? 50 रुपये रेट तो मुनासिब है, सब ताकत वाली चीज ही आया। क्या सोचने के खर्चा आया त्रै टाइम हल्दी भी पकाओ 1500-1800 रुपया हो जाएगा। अच्छा भाई जी एक सालों कि अगर तुम कनाडा अमरीका फ्रांस इंग्लैंड जाने का मौका लगे तो इतना रहना पसंद कर सो या तो बाले मुल्क जा सो? ये है जो मौका तुम छोड़ा कि इस मौके पर बाहर भी जाना चाहिए, मौका लगता है तो बड़े जोर जाना चाहिए। ज़ाहिर इंसान अपने बेहतर मुस्तकबिल वास्ते जरूर कोशिश तो करना ना भाई और आखने के ज़ाहिर है बाहर ही जाओ उसमें तक इस कोई यूनान कश्ती हादसा होया कि होया लोग बेहतर मुस्तकबिल वास्ते ही ग्यारह ग्यारह सफर कर रहे क्या है भाई जी? यही बात इस वजह तो लोग दूए तरीके ना जाने लगे डंकी लाई जाने लगे इस वजह तो मजबूरी नहीं खाते कम इतना कोई नहीं जा सकते सारे इतना जो गवर्नमेंटा भी इशनिया रिलीफ मजदूर तक के नहीं देती कोई रिलीफ नहीं कोई भाई आसा भी आखिर पास चली चाहिए कुछ अगर दो बंदे चली खाता सफाई ना खास इंतजाम भाई ना रखा हुआ तकी सकने माशाल्लाह कवर किया हुआ ने अगर बिजू तको तो माशाल्लाह सारा सिस्टम साफ है तब बकायदा तौर पर चादर ही पाई हुई ताकि अगर साइडा पर को मिट्टी का टाच है ना तो अंदर ना बढ़े। ये ना सोचे अस रक्षा चाहिए किता ये रक्षा है भाई होरा भाई को पता करना है कि क्या सूरत हाल है। भाई भाई क्या हाल है? तकरीबन 2-2.5 साल हो गए महंगाई का सूरत हाल है बहुत पेट्रोल ना गुजारा बसारा हो जाना वही जहाँ आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा गुजारा हो जाए खाने जी है बचता हूँ यहाँ घट होनी बचत कुछ टाइम हो जाने कुछ टाइम नहीं हो कुछ टाइम बचत होनी है कुछ टाइम बचत इन करो महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो एक गल सालों की अगर तुम इंग्लैंड अमरीका कैनेडा फ्रांस इटली या जो यूरोपियन कंट्री ने इन्होंने अगर तुम वीजा लगा है तुस इतना मेहनत मजदूरी करसो रेसो या फिर जा सकते मैं तो इतना इतने बल्ले जी बल्ले भाई और बाद बंदे नहीं ना आया जहाँ जी अस इतने रिश्ता क्या वजह जी इतने रहने वजह यह है कि वाले साहब का बिना ही वाइफ है मां है चाचा चाचा
इन्होंने मौका बहुत जबरदस्त है, यकीन करो वाले जब बुढ़े हो जाए तो औलाद बुढ़ापे ना सहारा हो, बहुत अच्छी गल है कि भाई इतना रहना पसंद करने और मो प्यो की हिम्मत करना पसंद कर जिन्हें पता करना सब और तो तकने जनाबे वाला फिर चक्कर स्टार्ट हो गया ए मारा हो गया महंगाई क्या बहुत ज्यादा महंगाई है, परेशान मौली साहब चीजा तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा महंगी हो गई, पूरी दुनिया की महंगाई है ना, पूरी दुनिया रिलीफ ही दिता जाना लोगों की अगर तक इंग्लैंड अमरीका कैनेडा ना वीजा लब्भै तो तुसा सफर करी जासो कि उत्थे या इत्थे कारोबार करने की तरजीह देसो या रहसो इत्थे इत्थे कारोबार करसो, इसी क्या वजह आ? बस अपना मुल्क अपना है, अपना मुल्क अपना आया क्या हाल है? बड़ा सही माशाल्लाह जी, अपना मुल्क अपना आया, अपने मुल्क है जिदा मजा गुजरा ही कोना तो उत्थे टाइम टेबल नहीं पाबंदी है बाले मुल्क तो इत्थे के लाइश ने अठ बजे तो शामी अठ बजे जाने 12 घंटे ड्यूटी है, क्योंकि 12 घंटे बाहरले मुल्क ड्यूटी दी है तो इनकम ज्यादा होनी इतना चलो गुजारा मुजारा है, शुक्र चलो जिला हर कर अल्लाह ताला सन घर बार बरकत। मौसम बहुत ही प्यारा हो गया, चल चढ़ी पे चक्कर झुलना पिया तो बूटे माशाल्लाह दुकानदारा शटर बंद करी ओड़े और समान सारा अंदर की सब जन्ने दुकाने पास पता करने हैं बाकी लोगों को क्या सूरत हाल है, कमे नहीं महंगाई नहीं क्या सूरत हाल है? सारे भाई है ना ये चूंकि पंजाब तू आए ना पता करने कि कुत्थे रहे और महंगाई नहीं क्या सूरत हाल है। अस्सलामुअलैकुम जी, वालेकुम सलाम, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। अच्छा पहले अपना तारफ करो, अपना नाम सुनो, नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शहनशाह है, मेरा तल्लक राजनपुर से है, राजनपुर पाकिस्तान का सब पसमानदा तरीन इलाका है, ये जनूबी पंजाब ने विच हिस्सा अशना है। पिछले दहाड़े च उत्थे सैलाब भी आया सी, सैलाब आया सी तकरीबन 8-9 महीने पहला, बहुत नुकसान होया सी, इतना नुकसान होया कि लोग दर बदर हो गए। ये वो इलाका भी बोल जितना असा सानी डोनेशन करी सी, सन जिहड़े असी पैसे दिते सन, असा गए सा लोकां राशन दिता सी, समान चुके असा सारा इत्थे पैक कराया सी, उत्थे राशन दिता सा, जितनी मदद होई सी कि असा कीती है। अला एक गल सालो कि असा महंगाई नहीं क्या सूरत हाल है? महंगाई ना पुछो अला ओ तको सामने वसूली आली आए बैठे अला हां पर जे बजोने 1 टका कर दे, महंगाई नहीं वजह सूरत हाल है, काम माने हालात भी कोनी, महंगाई भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बंदा बस हर बंदा बहुत परेशान है। असा ना जरा इलाका है ना इन्हें लोगों पर नुकसान है ना, और लोग इलाश ने सारा जिया माश जिया आमदन में इजाफा होना तो वो जिला नीश ने तो उसका सारे मामला सच्ची गए जी गल है ना गड़बड़ हो जाए, इस वास्ते जिला महंगाई है ना महंगाई ना उसका असा पता लगना कि कितना कितनी महंगाई होगी। तो तुसा एक गल सुनो कि अगर तुसा कि इंग्लैंड अमरीका कैनेडा फ्रांस इटली या यूरोपियन कंट्री च जाने का मौका लब्भै तुसा इत्थे रहसो या तुसा इंग्लैंड जासो या बिहार गैर चले जासो? जिस तरह ने इधर हालात ने जाना ही बेहतर है सी। अच्छा हाँ वो की है जी? तो इवें जी उधर बंदे ना मुस्तकबिल तो है ना, अगर एक माड़ा बंदा है गरीब बंदा है मुश्किल वक्त अगर आई जाना तो हुकूमत उधर मदद करनी, इधर इधर तो एक कफन तक नहीं देने, मोए की और मार, कबर ने भी पैसे किए, अल्लाह असा ने हालात ये नहीं कि कबर ने भी पैसे किए, तो जाओ कितने भी जाओ सब पता करो ना किन्ने हालात मारे चलो अल्लाह ताला सारे वास्ते आसानियां पाए, आज अल्लाह पाक ने अपने रहमत माशाल्लाह माशाल्लाह सालियां भी बस बहुत एन सारे चो सब फलुदे वाले
बहुत मशहूर फलूदा है ना, और बहुत बहुत ही ज़्यादा चखड़ है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है। शदीद तरीन बारिश स्टार्ट हुई, बर्फ भी पैन की है, सुभान अल्लाह। बाजार तकरीबन तक सारा बाजार बंद हो चक्कर बहुत ज्यादा है, बारिश नहीं है। कितना चक्कर है? बहुत ज्यादा चक्कर है। ये बारिश है या कनिया है? क्या बात है। अच्छा ये सारे नेक्स्ट दौर भाई खुरम महंगाई ने इस दौर जिस हाली आ सकी ये गल बहो। अगर अमरीका कैनेडा फ्रांस इंग्लैंड बहर जाने का मौका लभ वीजा लभ वीजा तुसा इत रेसो या बहर जासो? खुशी गमी हो जाए तो बंद पुजी नहीं सकता। चलो जी अल्लाह ताला इस्तकामत है तो किस बने बच्चे नहाने ते उम्र है बच्चे ने नहाने सारे प्लाजे पर समुखी बाइट होना सी तो उन्होंने ना आए तो किस कनो जरा बोर्ड है शदीद तरीन झक्खड़ सी ये भी ले गया ये बिल्कुल टैन लगा तको इतने माड़े लात हो गए झक्खड़ ना साफ ही कौन ये हूं ढवे थोड़ी देर बाद ढवे लेकिन टेसी जरूर है। लो फ्लैक्स ये फटी गया इसका तो किसके कितनी तेज बारिश है। बारिश भी है तो चक्कड़ भी है। ओहो हो हो अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर। बुना जूना पर नहीं उड़ रही आई गया बहुत तेज बारिश लगी थी माशाल्लाह क्या बात है। बहुत तेज बारिश लगी। हाँ जी बारिश तेज है, बारिश तेज है, बहुत तेज है। बल्ले 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 रडियाली ज्यादातर जो लोग आए रोजगार के सिलसिले चाहे पख्तून भरा या सारे पंजाबी भरा अस हूं आए पख्तून भाई है ना चूंकि पार्टनर दो दुकान ने इन्होंने पता करना क्या सूरत हाल है कल सर भाई इस्लाम सन अज अजीजुल्ला खान ये आए हुए भाजोर तू अजीजुल्ला खान क्या हाल है ठीक हो अच्छा अजीजुल्ला खान ये बताओ बारिश बहुत हो रही है भाई बहुत बारिश है मौसम अब ठंडा हो गया थोड़ा सा मौसम बिल्कुल ठीक ठाक हो गई गर्मी थी या गर्मी थी दो दिन बहुत तेज गर्मी थी आज ज्यादा गर्मी थी। अच्छा ये बताओ महंगाई के क्या सूरत हाल है? महंगाई तो बहुत है बहुत महंगाई है बहुत महंगाई है। आप चूंकि खाना पीना भी इधर अपना ही बनाता है तो आपको किन किन मसाइल का सामना है इधर? यार इधर सब कुछ महंगा है किराया ठीक है किराया भी महंगा है सब कुछ महंगा है दाल सब्जी चीनी एक्स वाई जेड सब महंगा सब महंगा है। तो रोटी जब घर बनाता है इधर जो आपने डेरा लिया हुआ है ये आपका उधर गैस वाला सिस्टम है या लकड़ी है? गैस वाला सिस्टम गैस भी बहुत महंगा है गैस भी महंगा है। अजीजुल्ला ये बताओ कि अगर आपको एक तरफ आपका ये कारोबार है एक तरफ आपको मौका मिले कि आप इंग्लैंड चले जाओ अमेरिका चले जाओ या यूरोप चले जाओ आप इधर रहना पसंद करेगा काम करना पसंद करेगा या बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर चला जाएगा? मुस्तकबिल के लिए बाहर चले जाना चाहिए
जाना चाहिए ये क्यों जाना चाहिए? ये इधर पाकिस्तान में कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया महंगाई की वजह से। महंगाई तो पूरी दुनिया में है ना, इधर ज्यादा है, इधर गुर्बत ज्यादा है। उधर चलो इतना महंगाई है उस वाले से इनकम भी ज्यादा है, उस वाले से काम भी ठीक है, उस वाले से इधर तो काम है नहीं, काम कम पड़ गया तो गुर्बत ज्यादा है। क्या लेगा लोग, गरीब बंदा क्या लेगा, अपना पेट नहीं पाल सकता तो कपड़े क्या लेगा? यार कुछ लोग तो देखो ये डंके लगा के जाता है उधर, मजबूर होके यहाँ से जा रहे हैं। वो मजबूर वो करके जाना है, वो मजबूरी होता है, इसके पास इधर भी पैसा नहीं होता, उधर भी नहीं होता, क्या करेगा? बहुत मुश्किल है ना, बड़ा मुश्किल है, बड़ा। अच्छा पाकिस्तान से क्या होने की मौका लगा है, वीजा लगा है, वीजा एक ओवरऑल आसान एक जरा ब्लॉग बनाने पे आ, वीजे ना बनाने पे आ, अगर से की बाल मुल्क ना वीजा लगी जाए तो क्या कर सो, इतना रह सो या बाल मुल्क चले जाओ? चले जा सो, ये ज्यादातर जी यंग जनरेशन है सच्ची जी गल मजबूर है, मजबूर किया आया कि जे हालात ना हुकूमत भी तमन को नहीं करनी, महंगाई फ्रिज बदनी थी देखो, डॉलर पर जाना कपड़ा महंगा हो जाना, पेट्रोल पर जाना किराया ज्यादा हो जाना, लेकिन जिला पेट्रोल सस्ता होना या डॉलर सस्ता होना महंगाई कट को नहीं होनी, मतलब ताश ना अगर 50 रुपये चीनी है डॉलर पर चली गया 70 रुपये होगी, लेकिन ये डॉलर वापस आया 50, 45, 55 नहीं होनी है, बल्कि उस तरह ही महंगाई रहनी है अगे बदली जानी। तो इस ना सो कि इंसान ज्यादा अपना बहुत सारा ख्याल रखा है, एक दुआ याद रखा है, अल्लाह सुनने वाले।